हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू के। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप अपने Redmi 3S या फिर Redmi 3S Prime पे फुल स्क्रीन जस्टर वाला ऑप्शन जो है उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बताइए, Redmi 3S में अभी MIUI 10 तो आ गया है, पर कई सारे डिवाइस में अभी जो है वो फुल स्क्रीन जेस्चर वाला फीचर नहीं आया है। जैसे कि हमारा Redmi 3S Prime है, Redmi Note 4 है, Redmi 4X है, उन सभी में ये जो फीचर है वो नहीं आया है। रूट करके आप कर सकते हैं, पर हमारा जो वीडियो है वो विथआउट रूट का ट्रिक है हमारा। तो आप इसको किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास Redmi 3S हो या फिर कोई भी मोबाइल हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इसका नाम है, उसको भी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी जो परमिशन है उसको हमने अलाउ कर देना है, जितनी भी परमिशन ये मांगे उसको आपने अलाउ कर देना है। और उसके बाद दोस्तों अनेबल करने के बाद आप MIUI 10 का जो ऑफिशियल वर्जन है वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे तो साइट का जो ऐप चालू है वो आपको ओपन हुआ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पे जा सकते हैं, अपना जो रिसेंट मेन हुआ है उस पर जा सकते हैं। और दोस्तों इसकी खास बात ये है कि इसका जो एनिमेशन है वो काफ़ी कूल है, तो आपको अच्छा भी लगेगा और इसको आप डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रूट की ट्रिक नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी रूट नहीं चाहिए, आप किसी भी डिवाइस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अभी सिर्फ Redmi 3S के लिए बताया, पर आप चाहे तो Redmi Note 4 या फिर आपके पास कोई भी मोबाइल है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज का वीडियो जो है वो यहीं तक था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना।